हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनम दोस्तों ड्यून पार्ट टू देखकर आ रहा हूं मैं आई मैक्स में फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज का टिकट एप्सोल्यूटली वेस्टेड चार सौ पचास रुपया गया पानी में फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रूपीज एप्सोल्यूटली वेस्टेड वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी दैट इज वॉट ड्यून पार्ट टू इज दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ऑर्डिनरी फिल्म एब्सोल्यूटली बोरिंग फिल्म स्टोरी क्या है कहानी इतना बोरिंग इतना बोरिंग इतना बोरिंग मतलब यार नींद आ जाएगा आपको यार ये भी कोई कहानी है यार दिस डायरेक्टर्स नीड टू लर्न स्टोरी टेलिंग फ्रॉम राजामौली साहब मतलब राजामौली जी को ये ड्यून का बजट दे दो वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन फिल्म बना देगा यार क्या कहानी है कहानी क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसमें एक सीन है दोस्तों जिसमें रेबेक, रेबेका फर्गुसन को ऐसा उजाला लिक्विड पिलाता है उजाला का ये कोई ब्लू कलर का लिक्विड उसको पिला रहा है और वो लिक्विड पीने के बाद रेबेका फर्गुसन ऐसा ओवर एक्टिंग करती है एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इज प्रेगनेंट प्रेगनेंट है वो <laughs> क्या है ये ये कोई कहानी है और उधर से अपना बेटिस्टा अ डिफरेंट लेवल एंड वही कर रहा है वो फिर उसके बाद ऐसा ऐसा एकदम सबमिसिव हो जा रहा है बेटिस्टा एंड एक सीन तो भाई एनिमल से कॉपीड है जिसमें एनिमल में रणबीर कपूर बोलते ना जूता चाट जूता किसकर वही सेम सेम वो दूसरा एक टकला बंदा के बेटिस्टा को बोलते हैं जूता किस कर फिट किस कर ये कोई ये कोई फिल्म का मतलब ये कोई कोई कॉन्टेक्स्ट है ये पूरा आप कॉपी कर रहे हो एंड कॉपी सही आता है दूसरा भाई ट्रेमर फिल्म का एक कॉपी है यार इसमें जिसमें ऐसे ग्राउंड से वो क्रीपी कॉली क्रीपी क्रॉली से, से, जाता है सेम टू तो सेम ट्रेमर फिल्म से उठाया यार

यू नो एग्जीक्यूशन है वो जो ट्रीटमेंट है इतना ऑर्डिनरी एंड सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो वीएफएक्स है अरे वीएफएक्स देख के आप बोलोगे वीएफएक्स है इतना ऑर्डिनरी वीएफएक्स है यार एंड हेवीली वीएफएक्स इंस्पायर्ड फिल्म है ये हर सीन में वीएफएक्स है यार एक सीन बताता हूं मैं आपको वो डेजर्ट स्टॉर्म आ रहा है और वो बंदा ऐसे मतलब स्पाइडरमैन जैसा लटका हुआ है वहां पे रोप से ऐसा पकड़ के ऐसा खड़ा है वो डेजर्ट में एंड डेजर्ट स्टौर्म, स्टौर्म, स्टौर्म आ रहा है यार वो सीन देखोगे ना इतना फेक लगता है बिल्कुल मजेदार नहीं एक सीन में ऐसा बॉडीज पड़ा है राइट एट द वेरी बिगिनिंग पूरा बॉडीज है ऐसे वो डेजर्ट में और वो डेजर्ट वो धरती ऐसे नीचे चला जाता है समा जाता है बॉडीज पूरा नीचे जाता है फिर ऐसा धुमधम धुमधम करके कुछ तो एक्सप्लोजन होता है इतना फेक इतना फेक कि मैं क्या बताऊ आगे जाके जो भी आप एक सीन है जिसमें बेटिस्टा ऐसे भागता है और ऐसे उड़ी मारता है वो स्पेसशिप टाइप ये यंत्र में उसमें उड़ी मारता है और वो ऐसे 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 लटक रहा है स्पेसशिप वाला अरे आप वो देखो सीन पूरा बी एफ पता चलता है इतना फेक लग रहा था यार इतना फेक एक सीन में स्केटिंग कर रहा है वो बंदा डेजर्ट से स्केटिंग कर रहा है इतना फेक लग रहा है वो बिल्कुल मजा नहीं क्या मजा है यार ये क्या ही है ये

एक्टिंग so, में एक सीन में एक टकला बंदा ऐसा चाकू लेके आके टंग पे रगड़ रहा है ये कोई सीन है कोई फिल्म है और उसके बाद मार रहा है किसी को यहां पे मार रहा है इधर मार रहा है उधर मार रहा है क्या ये एक पर्टिकुलर वो अपना ग्लैडिएटर टाइप एक फाइट सीक्वेंस है दोस्तों वो थोड़ा सा हल्का सा ठीक ठाक लगा बट द दें उसमें भी पता नहीं चला वो कैसे किसको कैसे मार रहा है यार वो वो टकला वो टकला है जो भी था वो क्या ही बोले या? totally यार टोटली डिसअपॉइंटेड सी राजमौली विजुअल्स भी ऑर्डनरी स्टोरी भी जीरो तो क्या मजा आएगा यार सिर्फ हवा है दोस्तों सिर्फ हाइप है IMAX तो भरा हुआ है लेकिन बाकी टू डी स्क्रीन खाली है बट IMAX में लोगों को देखना इमेज मैक्सिमम में मजा आएगा ड्यून मतलब लोग तो इनफैक्ट बोर हो रहे थे यार बीच बीच में आजू बाजू वाले लोग तो मतलब मोबाइल लेके व्हाट्सएप चेक कर रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है वो सब चल रहा था यार आप सोचो मतलब एंगेज ही नहीं करते इतना स्लो, इतना स्लो स्लो बीच में कभी एक्शन भी आता है एक्शन भी ऑर्डनरी एक्शन कोरियोग्राफी में भी नहीं मजा यार क्या ही बोले यार दोस्तों वन स्टार फॉर ड्यून पार्ट टू आपको कैसे लगा लिखकर जरूर बताना ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी, भी आप दे सकते हो चलिए फॉर द मोमेंट टाटा